हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट का जो आउट किया गया उसके बारे में। देख सकते हैं ये आपका BEML का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक रिक्रूटमेंट दिखेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको जो न्यू रिक्रूटमेंट आउट किया गया है, देख सकते हैं आप डेट 22/3/2022 को, अभी कुछ मिनट्स पहले ये यहाँ पे अनाउंस किया गया है। अब यहाँ पे बात कर ले, आपका एक रिक्रूटमेंट और आया था जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का था, तो इसका भी अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। और अभी न्यू रिक्रूटमेंट उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो आप डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग बोला गया 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल में बीटेक किए हो तो भी आप एलिजिबल है, प्रोडक्शन में किए तो भी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स तो भी आप एलिजिबल है। तो ये तीन ब्रांच मैकेनिकल स्ट्रीम में हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया तो आप एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया तो भी आप एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो आपको लिखा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपका मिनिमम रिक्वायर्ड है, 0 से 2 ईयर्स मतलब आपके पास है तो भी अच्छा बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिटर्न के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स रखा गया जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपका फिक्स टर्म बेसिस पे रहने वाला है, यानी कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पे रहने वाला है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाएगा। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम आपका रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर आपको 21,500, सेकेंड ईयर 23,500 और थर्ड ईयर आपको 25,500 मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लिया, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 3 साल अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको एक्सपीरियंस का, तो आपको नेक्स्ट ईयर पर काम आने वाला है। आपको कोई भी जॉब पे आप जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि आजकल जो भी जॉब निकल रहे गवर्नमेंट पे भी वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस मांग दिया जा रहा है, तो ये आपका वहाँ पर भी काम आ सकता है, आपको परमानेंट जॉब दिलाने में मदद कर सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पहले मैंने बताया रिटर्न के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन लिखा गया है। नेक्स्ट अब अप्लाई करना है तो अप्लाई के लास्ट डेट आपका 6/4/2022 रखा गया, और इसी डेट पे आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट होने वाला है, तो कट ऑफ डेट आपका 6/4/2022 है। अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ फ़ी लगने वाला है UR कैटेगरी के लिए, बाद बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई के लिए सिंपल से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा गया आप देख सकते हैं 6/4/2022 तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं 6:00 PM तक। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्कैन कॉपी यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है क्योंकि ये सब आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। साथ में आपको एक रिज्यूम भी होना चाहिए, देख सकते हैं रिज्यूम के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है, तो ये आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा है स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सब चीज़ आपके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट अब बात कर ले, जैसा बोला गया वैसे ही आप यहाँ पे रखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड जिसमें बोला गया सेल्फ अटेस्टेड वो सब रखिएगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो करना क्या है, देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक एक्टिवेट किया नहीं गया है, हो सकता कल सुबह से एक्टिवेट कर दिया जाएगा क्योंकि लास्ट डेट आपका 6 अप्रैल रखा गया है, तो लिंक एक्टिवेट करना पड़ेगा इनको जल्दी। यहाँ पे जैसे आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है सेकंड वाले पोस्ट में, उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट वाले पे भी आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते रहेंगे। अभी लिंक आया नहीं है तो आप आज अप्लाई नहीं कर सकते कुछ मिनट्स तक, बट कल सुबह एक बार ट्राई कर लीजिएगा रिफ्रेश करके, या फिर परसों 1-2 दिन बाद आप ट्राई कर लीजिएगा, अप्लाई का लिंक यहाँ पर आ जाएगा, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ है, यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी अभी नोटिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देख सकते हैं आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परमानेंट जॉब है BE/BTECH के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और EEE यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 70% मार्क्स मांगा गया एग्रीगेट, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और यहाँ पर आपका परमानेंट जॉब होने वाला है, बट यहाँ पर आपका एज लिमिट 25 ईयर्स रखा गया है, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। जो भी इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं ज़रूर इसके लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रहने वाला परमानेंट जॉब रहने वाला, तो ये सब चीज़ है, यह सब आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसका भी 500 रुपये फीस लगने वाला है UR कैटेगरी के लिए, और इसका अप्लाई का लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्च है, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो दोनों जगह पर अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।